नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आई डोनेशन के बारे में। आई डोनेशन क्या होता है, नेत्रदान क्या होता है। अभी नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है तो उसी पे आज का वीडियो रहने वाला है हमारा आई डोनेशन। तो हमारी जो आंखें होती है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अद्भुत खजाना होता है, एक हमारे लिए अद्भुत तोहफा होता है। और ये एक आपको जो आपकी जितनी भी संपत्ति है उससे बढ़ के एक सबसे मेन संपत्ति होती है हमारी आंखें। अगर ये नहीं है और हमारे पास सब कुछ है तो उनका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमें अपनी आंखों को बचा के रखना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति है उसकी आंख है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खराब हो गई है तो उसके लिए एक सबसे बड़ा ये त्रासदी उसके लिए मानी जाएगी। यदि उसकी आंख है वो पार्शली या पूर्ण रूप से चली गई है, यदि किसी व्यक्ति का जो पैर है वो चला गया है, उसमें इंजुरी हो गई है, तो उसको अलग से उसको पेड़ लगा के रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी आंख है वो चली गई है तो उसको हम किसी प्रकार से रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो आंख है वो एक प्रकृति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। इसलिए हमें अपनी आंखों को बचा के रखना चाहिए और इनको संभाल के रखना चाहिए। बिना आंखों के हमें जो पूरा वर्ल्ड है, हमारा संसार है, वो हमें एक बंद बुक की तरह दिखाई देगा। और जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं है या उसकी रोशनी चली गई है तो वो हमारी जो कम्युनिटी है उस पर एक तरीके से बर्डन माना जाता है। इसलिए जितना हो सके हमें हमारी आंखें उनको संभाल के रखना चाहिए और हमें हमारी मृत्यु के बाद में हमें अपनी आंखों को दान कर देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग हैं जिनके पास से उनकी जो आई है वो खराब हो चुकी है, वो देख नहीं पा रहे हैं, तो हमारी आंखों से ट्रांसप्लांट करके वो इस ब्यूटीफुल ये सुंदर जो संसार है उसको देख सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आई डोनेट करें। अब हम जानेंगे कि कॉर्निया क्या होता है, क्योंकि आई डोनेशन में हम कॉर्निया को लेते हैं और इसी को ट्रांसप्लांट करते हैं। ये जो सामने की जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये जो उभरी हुई लेयर, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट होती है और क्लियर होती है। जिस प्रकार घरों में विंडो लगी रहती है और उनका काम रहता है कि जो सूरज की रोशनी है उसको अंदर आने का काम करती है, उसी प्रकार हमारी आंखों में जो रोशनी आने का काम करती है वो ये कॉर्निया करती है। इसी के माध्यम से जो रोशनी है वो हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करती है। हमारी आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे से कम हो जाएगी यदि हमें कोई डिजीज है या कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजुरी हो गई है, जिसकी वजह से हमारा कॉर्निया है वो क्लाउडी हो जाएगी या उसमें इंजुरी होने की वजह से हमारा जो विजन है वो धीरे धीरे से चला जाएगा। आप इमेजिन नहीं करोगे कि आपकी जो लाइफ है वो डार्कनेस की तरफ चली जाएगी। इसलिए जो हमारी आई होती है वो बहुत ही कीमती तोहफा होती है। अब हम जानते हैं आई डोनेशन के बारे में। तो जब भी जो डोनर है उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद में 6 से 8 घंटे के अंदर उसको हमें डोनेट करना रहता है, उसको निकालना रहता है। तो इसके लिए हमें हमारे डोनर की अगर डेथ हो गई है तो उसके रिलेटिव को जो नियर आई बैंक है उनके पास का, तो वहाँ कॉल करना रहता है। तो वहाँ से डॉक्टर आएगा और आपके पेशेंट का जो आंख का सिर्फ कॉर्निया है उसको निकाल के ले जाएगा। हमारी आंखों का सिर्फ कॉर्निया होता है उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जो कॉर्निया निकाला जाता है तो इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है। ऐसे व्यक्ति जो गॉगल्स पहने हुए हैं, उनको हाइपरटेंसिव है या फिर उनको कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है या उनको डायबिटीज है, तो ऐसे लोग भी जो कॉर्निया है उसको डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो आंखें हैं उनको हम ना तो बेच सकते हैं और ना ही हमें खरीद सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि आई का डोनेट करें। और इससे ऐसे लोग जिनकी आंखें खराब हो गई है तो उसको ट्रांसप्लांट करके और वो भी देख पाएं। और दूसरा ये रहता है कि हर धर्म में ये जो नेत्रदान है उसका जिक्र किया गया है कि इससे बढ़ के कोई दान नहीं होता। इसलिए हमें जितना हो सके आई डोनेट करना चाहिए। हमारे खुद कर सकते हैं और हमारे रिलेटिव है तो उनको हम जागरूक करके आई डोनेट करवा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आई डोनेट कर रहे हैं तो उनके बॉडी से 10 cc ब्लड सैंपल लिया जाता है और जांच की जाती है कि इसको किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिनकी वजह से हम आई डोनेट नहीं कर सकते। तो उसको जांच करने के बाद में जैसे HIV तो नहीं है और उसको हेपेटाइटिस ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं। अब जानते हैं आई डोनेट फैक्ट, कुछ फैक्ट है जिनको जानना जरूरी है हम जो आई डोनेट करने जा रहे हैं। तो हमारे जो पास का जो नियरेस्ट आई बैंक है तो वहाँ पर हम इसको कॉन्टेक्ट करेंगे। और जो भी डोनर है उसकी डेथ हो गई है तो वहाँ का जो कमरा है और उस कमरे का जो फैन है, पंखा है, उसको बंद कर देंगे। और यदि AC लगी है तो उसको चालू रखेंगे। और दूसरा जो हमारा डोनर है उसकी आई को हम वेट कॉटन लेंगे और उससे उसको कवर कर देंगे, आंखें उसकी क्लोज करके और ऊपर से वेट कॉटन रख देंगे, ताकि जो हमारा आई का कॉर्निया है वो
ड्राई ना हो, और डोनर के जो हेड है उसके पीछे हम पिलो लगा देंगे उसके सिर को उठाने के लिए। अब जानते हैं आई डोनेशन को लेके कुछ मिथ्याज है, कुछ भ्रम है लोगों के बीच में कि इससे हमारी जो बॉडी का शेप है वो बिगड़ जाएगा, हमारा जो फिगर है वो डिसफिगर हो जाएगा, और दूसरा हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हम ऊपर जाएंगे तो हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे, और दूसरा ये भ्रम रहता है कि जब हम दोबारा पैदा होंगे तो हम बिना आँखों के पैदा होंगे, अंधे पैदा होंगे। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं, इनकी तरफ ध्यान ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा आई डोनेट करें। अब हम जानते हैं कि कौन है जो आई डोनेट कर सकता है, तो इसमें किसी भी एज का बच्चे से लेके बूढ़े तक इसमें आई डोनेट कर सकता है, और दूसरा किसी भी जेंडर का हो, मेल फीमेल दोनों इसमें आई डोनेट कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके परिवार से किसी मेंबर की है उसकी डेथ हो गई है, तो उसके अगर वो चाहता है कि इसका हम आई डोनेट करना चाहें तो वो भी अपने जो परिवार के मेंबर की जिसकी डेथ हुई है तो उसका जो आई है वो डोनेट कर सकता है। जो व्यक्ति आई डोनेट करना चाहता है तो वो आई डोनेशन का फॉर्म भर सकता है पहले से, और जब उसकी डेथ होगी तो उस समय उनके घर के जो रिलेटिव है वो डॉक्टर्स को फोन करके, जो नियरेस्ट आई बैंक रहता है तो उसको इन्फॉर्म करेगा, तो वहाँ पे डॉक्टर आएगा और उसकी जो आई का जो कॉर्निया है वो निकाल लिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो गई और हम चाहते हैं कि इसका हम आई डोनेशन करना चाहते हैं, तो वो भी कॉल करके और अपने उस मेंबर की आई है वो डोनेट कर सकता है। अब हम जानते हैं कि जो हमने आई डोनेट किया था तो उसको किसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति जिसको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो गया तो उस व्यक्ति को ये जो हमारा कॉर्निया जिसको हमने डोनेट किया था तो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, और हमारी आंखों से वो व्यक्ति भी दोबारा से देख पाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि हमें जो हमारी आई है उसको जलाना नहीं चाहिए और उसको दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको डोनेट कर देना चाहिए ताकि हमारे जाने के बाद में हमारी आंखों से दूसरा व्यक्ति देख सके। अंधेरे उजालों में बदलेंगे एक दिन, जरूरत है बस रोशनी बांटने की। अब जानते हैं कुछ ऐसे फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने मरने से पहले ही अपनी आंखें वो दान कर दी है, और उनके मरने के बाद में उन आंखों को उनकी जो कॉर्निया है उसको निकाल के दूसरे लोगों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, जिनकी मदद से वो लोग फिर से देख पाएंगे। तो इनमें हमारे सबसे फेमस बॉलीवुड एक्टर्स हैं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपनी आँखें डोनेट किए, और दूसरे हैं हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी जो बांसुरी वादक है, तो उन्होंने भी अपनी आंखें डोनेट की है, और ऐश्वर्या राय है हीरोइन, और हेमा मालिन है, तो इन्होंने भी अपनी आंखें हैं उनको डोनेट कर दिया है। इसलिए एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जब जहाँ तक जिंदा है, जब तक जिंदा है तो हम अपनी आंखों से देखें, और मरने के बाद में हम अपनी आंखों को पहले से दान कर जाएं ताकि हमारे जाने के बाद में भी हमारी आंखों से इस खूबसूरत जो संसार है वर्ल्ड है उसको लोग देख सकें, क्योंकि इसको हमें जलाना नहीं है, इसको दफनाना नहीं है, बल्कि इसको हमें डोनेट कर देना है ताकि दूसरे लोग भी हमारी आंखों की मदद से इस खूबसूरत संसार को देख सकें।